ये आवाज करेगा क्या? शुरू कर दूं क्या? स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन स्वागत करता हूं आपका करंट इंसाइट्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट इंसाइट्स के माध्यम से हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लाते हैं और उस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ इस प्रोग्राम की जो खासियत है, जो विशेषता है, वो यह है कि करंट अफेयर्स के टॉपिक को हम स्टैटिक पोर्शन के साथ भी जोड़ते हैं और स्टैटिक पोर्शन से जोड़ने के साथ हम ये भी देखते हैं कि कैसे इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हम यूपीएससी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आज करंट इंसाइट्स में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, करंट इंसाइट्स में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं आपके साथ। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्लाइड्स पर लिखा है कि शादी की उम्र हुई कम, अब 9 साल की उम्र में होगी शादी। तो एक बहुत गंभीर विषय है अपने आप में कि 9 साल की उम्र में शादी होगी और ये 9 साल निर्धारित की जा रही है, ये 9 साल जो निर्धारित की जा रही है शादी की, ये लड़कियों के लिए निर्धारित की जा रही है, गर्ल्स के लिए निर्धारित की जा रही है। अर्थात कि अब 9 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की जा सकती है, उनको उनकी मैरिज की जा सकती है। एक गंभीर विषय है, एक अपने आप में ऐसा विषय है जिससे कि महिलाओं के पूरे जीवन पर एक नकारात्मक रूप से, नेगेटिव रूप से प्रभाव पड़ता है। तो ये कहां हुआ है, कैसे हुआ है, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और अभी तक जो आंदोलन चलाया गया था विमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उस आंदोलन के पर्सपेक्टिव में भी हम चीजों को आज देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें यह भी देखेंगे कि बाल विवाह की चूंकि ये बात है, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है बेटा, ये बाल विवाह की बात हो रही है, चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है। तो भारत में बाल विवाह की उम्र क्या है और भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या है, भारत में किस उम्र तक लड़कियों की शादी होती है, और जो 9 साल की बात कर रहे हैं ये किस देश के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर ही लिखा है कि लोअरिंग द मैरिज एज इन इराक, तो इराक जो एक देश है, इराक जो एक देश है, उसने लड़कियों की शादी की उम्र को 9 साल कर दिया है। अर्थात अब इराक में लड़कियों की शादी 9 साल की उम्र में हो सकती है। ये एक बहुत गंभीर विषय है और लगभग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है, और भारत में भी ये इस विषय को जोड़कर हम देख सकते हैं, क्योंकि इराक एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा देश है जहां पर लड़कियों की उम्र जो है वो शादी की कम कर दी गई है। अर्थात उन्होंने बाल विवाह को बढ़ावा दिया है, उन्होंने चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दिया है। तो आज इसी पर्सपेक्टिव को समझेंगे कि क्या है इराक में, ऐसी क्या घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे कि चीजों में बदलाव आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इराक अपने आप में एक अव्यवस्था के लिए जाना जाता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि इराक में पहले सद्दाम हुसैन का शासन होता था, जिन्हें एक तानाशाह शासक के रूप में माना जाता था, एक डिक्टेटर लीडर के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अमेरिका का उस पर आक्रमण करना, इन्वेजन करना, और आफ्टर द अमेरिका इराक वॉर बिटवीन द यूएसए एंड सद्दाम हुसैन, उसके बाद सद्दाम हुसैन का असैसिनेशन, उनको मार देना, और उसके बाद इराक में एक पावर वैक्यूम का आ जाना, एक राजनीतिक शून्यता का आ जाना, एक शक्ति शून्यता का आ जाना, और उसके बाद इराक में आप देखेंगे कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन उभर कर सामने आते हैं, और उसी क्रम में आप देखेंगे आईएसआईएस का नाम भी उभर कर आता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईएसआईएस का फुल फॉर्म क्या था? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और अबू बकर अल बगदादी नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस पावर वैक्यूम का फायदा उठाया, शक्ति शून्यता का फायदा उठाया, और इराक और सीरिया में एक पूरा मुस्लिम राज्य स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन बाद में अमेरिकी प्रयासों से और अन्य पश्चिमी देशों के प्रयासों से वहां उसको मारा गया, हटाया गया, और फिर इराक में और सीरिया में और उसके अन्य आसपास के देशों में क्या किया गया है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब किसी देश में पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाता है, पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब है कि वहां कोई एक शासक के पास शक्ति नहीं होती, कोई स्पष्ट राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है, तो उस स्थिति में जो है चीजें उभरकर बार बार सामने आती हैं। और यही चीजें उभरकर सामने आ रही है कि इराक में अमेरिका के प्रयासों से एक राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया गया, कह सकते हैं कि अमेरिका की कठपुतली सरकार जो है इराक में काम कर रही है, और वो अपने आप को एक लोकतांत्रिक सरकार के तौर पर देखते हैं। लेकिन इन सब बातों के होते हुए हाल फिलहाल इराक में ये हुआ है कि अभी सुन्नी राजनीतिक सत्ता के स्थान पर शिया जो है उनकी सत्ता में बदलाव हुआ है, और इराक की एक राजनीतिक स्थिरता चेंज हुई है, उस वजह से वहां की शासन प्रणाली में, वहां की सामाजिक संरचना में भी बदलाव करने का प्रयास किया गया है। तो इसी पर्सपेक्टिव में ये बदलाव हुआ है, इसी संदर्भ में ये बदलाव हुआ है कि इराक में महिलाओं को लेकर जो है रूढ़िवादिता
को बढ़ावा दिया जा रहा है, बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये पूरी घटना क्या है, ये पूरा इवेंट क्या है, ये पूरा पॉलिटिकल फेनोमेनन क्या है, और व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर फेनोमेनन ऑन द ग्लोबल सिचुएशन एंड ग्लोबल सिनेरियो। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट। तो आज के इस पूरे सेशन में इसी बात पर देखेंगे, इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या है वो स्थिति जिससे ईरान में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल कर दी गई है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वो स्थिति है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है वो पूरी कहानी जिससे कि चीजें उभरकर हमारे सामने आ रही हैं। कह रहे हैं कि आ ड्राफ्ट विल करेंटली अंडर कंसिडरेशन इन द इराकी पार्लियामेंट हैज प्रोवोक्ड सिग्निफिकेंट कंट्रोवर्शियल एंड बैकलैश ड्यू टू इट्स प्रपोजल टू लोअर द लीगल मैरिज एज फॉर गर्ल्स टू जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। कह रहे हैं कि हाल फिलहाल इराक की संसद में एक कानून रखा गया है, एक विधेयक रखा गया है, ड्राफ्ट रखा गया है विधेयक का। क्या रखा गया है? विधेयक का ड्राफ्ट रखा गया है, और वो विधेयक इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस पर बातचीत हो रही है, क्योंकि उस विधेयक का जो आधार है, उसका जो मूल उद्देश्य है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि कैसे इराक में लड़कियों की उम्र जो है शादी की घटाकर कितनी कर दी जाए, 9 साल कर दी जाए। और देखो लीगल मैरिज एक्ट मतलब कि कानून के माध्यम से शादी की उम्र को कम किया जा रहा है। अभी वर्तमान में इराक में जो कानून है वो कानून लड़कियों की उम्र जो है वो लगभग 18 साल बात करता है कि 18 साल की लड़की जब हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन अब एक नए कानून के माध्यम से इराक में लड़कियों की उम्र की जो शादी की उम्र है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बिल जो है वो अपने आप में चर्चा में बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इस बिल के माध्यम से क्या किया जा रहा है, लड़कियों की जो उम्र है शादी की उसको वैधानिक रूप से 9 वर्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है। द लेजिस्लेशन एम्स टू अमेंड द एग्जिस्टिंग पर्सनल स्टेटस लॉ विच करेंटली मैंडेट्स अ मिनिमम मैरिज एज ऑफ 18। कह रहे हैं कि ये जो प्रारूप आया है, जो ड्राफ्ट आया है, ये जो बिल आया है, इसके माध्यम से वर्तमान में जो कानून है इराक में, उस कानून में संशोधन का प्रयास किया जा रहा है। और वर्तमान का जो कानून है बेटा, पर्सनल स्टेटस लॉ जो कानून है, ये इस कानून में लिखा है कि लड़कियों की उम्र की शादी की जो उम्र होगी, एज होगी, वो 18 साल होगी। अर्थात 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती है, 18 वर्ष पूरे होने पर ही इराक में लड़कियों की शादी की जा सकती है। लेकिन इस नए कानून से इस 18 वर्ष को घटाकर कितना किया जा रहा है, 18 वर्ष को घटाकर 9 वर्ष किया जा रहा है, लगभग आधी उम्र जो है घटाई जा रही है। दिस प्रपोज्ड चेंज हैज इग्नाइटेड प्रोटेस्ट फ्रॉम ह्यूमन्स राइट ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड एक्टिविस्ट, रेजिंग कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज चाइल्ड एक्सप्लोटेशन एंड द एरोजन ऑफ डिकॉर्ड प्रोसेस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। और जो इराक की सरकार ने ये जो बिल लाने का प्रयास किया है जिसमें शादी की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष करने का प्रयास किया जा रहा है, इस बिल का, इस विधेयक का विरोध किया गया है, महिला संगठनों द्वारा किया गया है, मानवाधिकार के संगठनों द्वारा किया गया है, और अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटाकर 9 साल कर दी जाती है तो इससे क्या होगा, महिलाओं का शोषण बढ़ेगा, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, और उसके साथ साथ अभी तक महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जो भी प्रयास किए गए हैं वो सभी प्रयास बेकार हो जाएंगे, उन प्रयासों की कोई उपलब्धि नहीं रहेगी। इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान में भी विरोध हो रहा है इसका, इंटरनली विरोध हो रहा है इराक में, इराक में इसका आंतरिक रूप से विरोध हो रहा है, उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेटा इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये पूरी घटना है, इसको हमें समझना है, देखना है, अन्य चीजों के साथ भी जोड़कर देखना है, भारत के साथ जोड़कर भी देखना है। इराक में लड़कियों की शादी की उम्र नए कानून के माध्यम से, नए विधेयक के माध्यम से कितनी करने की बात की जा रही है, 18 वर्ष से 9 साल करने की बात की जा रही है। अब देखते हैं की प्रोविजंस ऑफ प्रपोज्ड बिल, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस विधेयक के मुख्य विशेषताएं क्या है, उस विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है, थोड़ा उनको देखते हैं। सबसे पहले जो विधेयक नया लाया गया है उसकी पहली विशेषता क्या है, फर्स्ट ये क्या है, रिडक्शन इन मिनिमम मैरिज एज। कह रहे हैं कि न्यूनतम विवाह की जो उम्र है उसको घटाया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए क्या किया जा रहा है, द बिल प्रपोजेस रिड्यूसिंग द मिनिमम लीगल एज फॉर गर्ल्स टू मैरी फ्रॉम 18 टू जस्ट 9 ईयर्स। कह रहे हैं इस विधेयक का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है और जो सबसे कंट्रोवर्शियल प्रावधान है और जो सबसे विवादास्पद प्रावधान है वो यही है कि लड़कियों की शादी की उम्र बेटा 18
18 वर्ष से घटाकर 9 वर्ष की जा रही है, यह अपने आप में गंभीर विषय है। दिस वुड अलाउ चाइल्ड मैरिजेज टू ऑकर लीगली सिग्निफिकेंटली लोअरिंग द एज एट विच गर्ल्स कैन बी मैरिड। कह रहे हैं कि इस पूरी घटना से लड़कियों का जो बाल विवाह है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यही है और सबसे अधिक जो विवाद बना हुआ है वो इसी पर बना हुआ है। लड़कियों के साथ साथ लड़कों के संदर्भ में भी विवाह की उम्र को कम किया गया है। द बिल ऑल्सो सीक्स टू लोअर द मिनिमम मैरिज एज पर बॉयज फ्रॉम 18 to 15 ईयर्स। कह रहे हैं कि लड़कियों की उम्र शादी की 18 से घटाकर 9 की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ लड़कों की शादी की उम्र भी घटाई जा रही है और वो उम्र घटाकर 18 से कितनी की जा रही है, 15 की जा रही है, 15 वर्ष। मतलब अब 15 वर्ष में लड़कों की शादी की जा सकती है। इसका मतलब है कि इस विधेयक के आने से पहले, इस बिल के आने से पहले इराक में लड़का और लड़की दोनों की शादी की जो न्यूनतम उम्र थी, मिनिमम एज थी मैरिज के लिए बेटा, वो कितनी थी, वो 18 साल थी। लेकिन अब लड़कियों के लिए उसको 9 साल कर दिया गया है, ये देख रहे होंगे आप, 9 साल कर दिया गया और लड़कों के लिए 15 साल कर दिया गया है। मतलब 9 साल की उम्र में लड़की की शादी हो सकती है और 15 साल की उम्र में लड़की की शादी हो सकती है। 9 साल का मतलब है बेटा, अपने आप में सोचो, 9 साल का मतलब है कि 5 साल में अगर बच्चा स्कूल जाता है तो जब लड़की चौथी क्लास में पढ़ रही है तो उसकी शादी की जा सकती है। समझ रहे हैं आप, अगर 9 साल का मतलब चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की शादी की जा सकती है, एक गंभीर बात है। तो इस एक्ट का ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान है जिनको शामिल किया गया है और इन पर ही सबसे अधिक विवाद है, इन पर ही सबसे अधिक समस्या बनी हुई है। और क्या चीजें फिर शामिल की गई है, दूसरा प्रावधान क्या है इस अधिनियम का, ज्यूरिडिक्शन ओवर फैमिली मैटर्स। कह रहे हैं कि परिवार के पारिवारिक विवाद से संबंधित मुद्दे को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। परिवार से विवाद से संबंधित मुद्दे क्या है, रिलीजियस वर्सेस सिविलियन अथॉरिटी। द बिल इंट्रोड्यूसेस द ऑप्शन फॉर सिटीजंस टू चूज बिटवीन रिलीजियस अथॉरिटीज एंड सिविल कोर्ट टू हैंडल फैमिली मैटर्स। कह रहे हैं कि जो नया विधेयक लाया गया है, जो नया बिल लाया गया है, उस नए बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि अगर परिवार से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, शादी से लेकर है, तलाक से लेकर है, अपने परिसंपत्ति के से लेकर है, उत्तराधिकार से लेकर है, जमीन के बंटवारे से लेकर है, अगर इस प्रकार का कोई विवाद है तो नए विधेयक में ये कहा गया है, नए बिल में ये कहा गया है कि ये लोगों के पास स्वतंत्रता होगी कि वो उसको रिलीजियस बॉडी से उसको सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कानून के माध्यम से सॉल्व कराना चाहते हैं। देखो, रिलीजियस अथॉरिटी से सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर आप सिविल कोर्ट्स के माध्यम से सॉल्व कराना चाहते हैं। इसका मतलब है कि अब इराक में जो न्यायालय है, जो जुडिशरी है, वो तो होंगी ही, उनके साथ साथ इराक में जो है कि शरिया कानून के पर्सपेक्टिव में, इस्लामिक कानून के पर्सपेक्टिव में धार्मिक संस्थाओं की स्थापना भी की जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति का तलाक से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो वो कानून के माध्यम से उसे सॉल्व कराना है तो कोर्ट जा सकता है, और उसे अगर धार्मिक मामले से सॉल्व कराना है तो वो कहां जा सकता है, रिलीजियस अथॉरिटीज के पास जा सकता है। इसका मतलब है कि इराक में जो धार्मिक संस्थाएं हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, उन्हें पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप की आजादी दी जा रही है। मतलब इराक में धार्मिक हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा है व्यक्ति के जीवन में। इराक सेकुलरिज्म की जगह, पंथ निरपेक्षता की जगह किस तरफ बढ़ रहा है, धार्मिक कट्टरता, धार्मिक रूढ़िवाद की तरफ बढ़ रहा है। राइट वन, टू हैंडल द फैमिली मैटर्स, दिस इंक्लूड्स डिसीजंस ऑन इनहेरिटेंस है, डायवोर्स है, चाइल्ड कस्टडी है। कह रहे हैं परिवार से जुड़े विषयों में क्या है, उत्तराधिकार का मामला जुड़ा हुआ है, तलाक का मुद्दा जुड़ा हुआ है, या फिर आपका बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी। जब मान लीजिए तलाक हो रहा है और किसी दंपत्ति को 3 बच्चे हैं तो बच्चे पिता के पास रहने चाहिए, बच्चे माता के पास रहने चाहिए। इस प्रकार के निर्णयों के लिए केवल पहले एक ही ऑप्शन होता था वहां कि आप सिविल कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब सिविल कोर्ट के साथ साथ क्या ऑप्शन है कि आप रिलीजियस कोर्ट भी जा सकते हैं और रिलीजियस संस्था से भी क्या करा सकते हैं, उसको सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, रिलीजियस रूल्स, द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स एम टू रीइंट्रोड्यूस द एप्लीकेशन ऑफ रिलीजियस रूल्स इन द फैमिली लॉ। कह रहे हैं कि जो नया बिल लाया गया है उसमें यह भी बात की गई है कि परिवार से जुड़े हुए जो कानून अभी तक है, परिवार से जुड़े हुए जो लॉ अभी तक है, परिवार में अब धार्मिक मामलों को भी शामिल किया जाएगा। परिवार जो चलेगा वो धार्मिक कानूनों से चलेगा, धार्मिक नियमों से चलेगा, धार्मिक मूल और मान्यताओं से चलेगा। मतलब पूरी कहानी में हम ये समझ सकते हैं कि किसका वर्चस्व बढ़ रहा है, धर्म का वर्चस्व बढ़ रहा है इस पूरे कंडीशन में। ठीक है, तो जो इराक में जो बिल आया है उसमें शादी की उम्र कम की गई है, धार्मिक संस्थाओं को अधिक भागीदार बनाया गया है परिवार के मामले में, और क्या बदला हुआ है,
रिवर्टिंग लेजिस्लेटिव चेंजेस, कह रहे हैं कानून निर्माण में भी कुछ कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे 1959 पर्सनल स्टेटस लॉ, 1959 का कानून पहले ईरान में है, द 1959 लेजिस्लेचर हैड सेंट्रलाइज्ड फैमिली लॉ अंडर द स्टेट जुडिशरी, कह रहे हैं कि अभी जो कानून इराक में चलता है वो चलता है 1959 का पर्सनल स्टेटस लॉ, व्यक्तिगत स्थिति कानून जो है वो चलाया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जुडिशरी देखती थी सारे मैटर्स को, रिड्यूसिंग रिलीजियस इन्फ्लुएंस, और ये क्या करता था, धार्मिक प्रभाव को कम करता था ये वाला कानून, लेकिन द न्यू बिल रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट बैक टू द अलाउइंग रिलीजियस अथॉरिटीज टू प्ले अ रोल इन द फैमिली लीगल मैटर्स। कह रहे हैं कि पुराना कानून 1959 का जो कानून था इराक में, वो बेटा क्या कर रहा था कि जो सिविल कोर्ट्स था उसकी भूमिका को बढ़ा रहा था, और रिलीजियस अथॉरिटीज जो धार्मिक संस्थाएं थी उनकी भूमिका को परिवार में कम कर रहा था, लेकिन नया जो कानून आया है वो क्या कर रहा है कि सिविल कोर्ट्स की भूमिका को कम कर रहा है परिवार में, और जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी भूमिका को परिवार में बढ़ा रहा है। मतलब धर्म, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर परिवार के मामले सॉल्व होंगे, इस स्थिति को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो, तो हमने क्या समझा, अभी मैंने आपको दो बातें समझाई कि एक ईरान में की सॉरी इराक की संसद में एक बिल लाया गया है जहां पर धार्मिक संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है और धर्म को फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तो लड़कियों की विवाह की उम्र कम करने की बात की जा रही है, 18 साल से 9 साल कर दी गई है, लड़कों की उम्र 18 साल से 15 साल कर दी गई है, और कहा गया है कि अगर परिवार से जुड़ा हुआ कोई विषय है तो उस विषय के समाधान के लिए भी क्या किया जा सकता है, उस विषय के समाधान के लिए आप या तो सिविल कोर्ट जा सकते हैं या फिर आप कहां जा सकते हैं, रिलीजियस अथॉरिटी जा सकते हैं। मतलब कि अब जो धार्मिक संस्थाएं वो भी लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं, और कहा गया है कि सिविल कोर्ट की भूमिका को कम करके जो रिलीजियस अथॉरिटीज है उनकी भूमिका को बढ़ाया जा रहा है, और पारिवारिक जो मामले होंगे या परिवार का जो संचालन होगा वो नए कानून के आधार पर होगा, और उस नए कानून में क्या लिखा है कि धर्म की प्रधानता रहेगी, धार्मिक कानून जो है परिवारों को मानने पड़ेंगे। तो ये इराक में जो बदलाव आया है, इराक में जो पूरा चेंज लाया जा रहा है, इसके संदर्भ में जो है कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और कुछ लोगों ने उस इस पूरे विधेयक का, इस पूरे कानून का, इस पूरे बिल को क्या किया है, अपोज करने की बात की हुई है। अब सवाल ये है कि इसको अपोज क्यों किया जा रहा है, वो कौन से लोग हैं जो इराक में जो नया विधेयक लाया जा रहा है उसको, उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो आलोचना इस पर्सपेक्टिव में हो रही है कि क्योंकि एक लंबे समय से महिला अधिकारों की बात हो रही है, वीमन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, कि लंबे समय से ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, मानव अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन ये जो नया कानून है, ये नया कानून वीमन एम्पावरमेंट, ह्यूमन राइट्स, या फिर कहें कि सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, ये किसको बढ़ावा दे रहा है, ये रिलीजन को बढ़ावा दे रहा है, और ये रिलीजन के साथ साथ जो रूढ़िवादी बातें हैं, जो कट्टरता है उसको भी शामिल कर रहा है। तो जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, मॉडर्न अप्रोच के लोग हैं, या फिर जो डेमोक्रेटिक सोच के लोग हैं, या फिर जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, या फिर जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इराक में ही, कहां पर, इराक के ही लोग, उन्होंने इस पूरे कानून का विरोध किया है और इस पर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, इस पूरे विधेयक पर अलग अलग तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि इराक की घटना क्या है, उस घटना के साथ साथ मैंने बताया कि जो बिल आ रहा है, जो नया विधेयक आ रहा है, उसके क्या क्या प्रावधान है, उन प्रावधानों को मैंने मुख बताया। अब उन प्रावधानों पर लोग क्या राय दे रहे हैं, उस रिस्पॉन्स को देख लेते हैं, उसकी आलोचना, उसके क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं कि लोगों की क्या राय है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो राय दी है वो वुमेन्स राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने दी है। सबसे पहले जो राय आई है जिनके तरफ से, वो कौन है, महिला अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं और मानव अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच एक संगठन है वहां पर, ठीक है, HRW, सराह सनवर फ्रॉम HRW has condemned the bill, asserting that it represents a regressive step for Iraq. करेंगे जो इराक का एक संगठन है ह्यूमन राइट वॉच, मानव अधिकारों की देखरेख करने वाला जो संगठन है, उसकी जो सदस्य है सराह सनवर, उन्होंने कहा है कि जो नया विधेयक आया है, जो नया बिल आया है, ये इराक के लिए एक बुरी घटना है, एक बुरा दिन है, एक बुरी खबर है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम पीछे की तरफ इराक को लेकर जा रहे हैं, ना कि आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। सी हाईलाइटेड दैट द बिल कुड लीड टू एन इंक्रीज इन चाइल्ड मैरिज, उन्होंने कहा कि अगर ये बिल लागू होता है और अगर इस बिल को हम देखें
तो इस बिल से क्या हो रहा है कि यह बिल पूरे तरीके से बाल विवाह को बढ़ावा दे रहा है, एडवर्सली अफेक्टिंग गर्ल्स एजुकेशन हेल्थ ओवरऑल वेल बीइंग। और इस बिल की अगर हम बात करें व्यापक तरीके से तो ये बिल पूरे तरीके से महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके पूरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो इराक का ही संगठन है, ये इराक की ही महिला है, उन्होंने इस पर अपना रिस्पॉन्स दिया है इस नए कानून पर। अब अगला संगठन है इराक वुमेन्स नेटवर्क, एक और संगठन वहां काम करता है। वहां के जो है अमल नाम के एक व्यक्ति है कवासी, उनका क्या कहना है, हैज क्रिटिसाइज द बिल फॉर पोटेंशियली री इन्फोर्सिंग मेल डोमिनेंस इन फैमिली मैटर। इनका कहना है कि ये जो पूरा कानून है वो कहीं ना कहीं परिवार में पुरुष की प्रधानता, जिसे हम पितृसत्तात्मक सोच कहते हैं, पैट्रियार्की मेंटेलिटी कहते हैं, उसको बढ़ावा देगा और इससे क्या होगा, विच कुड फर्दर इंट्रेंच जेंडर इनइक्वालिटी, और फाइनली इससे देखा जाए तो लैंगिक असमानता ही बढ़ेगी और महिलाओं के अधिकार बेटा कम होंगे। तो एक राय इस तरफ से आई है और एक राय इस तरफ से आई है। ह्यूमन राइट वॉच ने, इराक वुमेन्स नेटवर्क, दोनों ही संगठनों ने इराक की संसद में जो नया विधेयक रखा गया है उसकी आलोचना की है, उसको क्रिटिसाइज किया है इन्होंने, ठीक है। और देखते हैं एक्टिविस्ट एंड सिविल सोसाइटीज का क्या कहना है, नागरिक समाज का क्या कहना है इस पर, सिविल सोसाइटी नागरिक समाज। नादिया महमूद है एक वहां को फाउंडर ऑफ द अमन वुमेन्स अलायंस, महमूद सजेस्टेड दैट द बिल रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर अटेम्प्ट टू सप्रेस वुमेन्स राइट्स एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स which have gained momentum following youth protest in 2019। इनका कहना है कि ये जो नया विधेयक है, जो बिल है, ये इराक में पूरे मानवाधिकार और महिला संगठन संबंधी विचारों को बहुत पीछे ले जाएगा, जो कि एक युवा प्रोटेस्ट हुआ था इराक में 2019, उसके विरोध में ये पूरी स्थिति को लाने की बात की जा रही है। मतलब कि नादिया महमूद जो कि को फाउंडर है अमन मूवमेंट अलायंस की, उन्होंने भी इस की आलोचना की है। अब देखते हैं कि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस क्या है थोड़ा सा। तो ये कुछ संगठन है जो कि क्या कर रहे हैं बेटा, आलोचना कर रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस क्या है, प्रीवियस विड्रॉल, द प्रपोज्ड बिल फेस्ड सिग्निफिकेंस अपोजिशन एंड वॉज विड्रॉल फ्रॉम कंसिडरेशन इन लेट जुलाई, हाउएवर इट वॉज री इंट्रोड्यूस इन अर्ली अगस्त आफ्टर रिसीविंग बैकिंग फ्रॉम पावरफुल सीआई ब्लॉक्स। कह रहे हैं कि ऐसा कानून पहले भी रखा गया था जुलाई में, लेकिन जब लोगों ने बहुत अधिक आलोचना करी तो उसको वापस ले लिया गया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल राजनीति में कुछ बदलाव हुए हैं और वहां पर सिया जो है वो थोड़े से पावरफुल हुए हैं, तो उन्होंने फिर से जो है अगस्त में इस प्रस्ताव को लाए, इस विधेयक को लाए और इस पर पुनः उन्होंने बात शुरू कर दी है, राइट। करंट स्टेटस के बाद बिल इज स्टिल अंडर रिव्यू, कह रहे हैं कि ये बिल अभी बिल ही है, ये एक्ट नहीं बना है, लॉ नहीं बना है, कानून नहीं बना है, इस पर अभी बातचीत हो रही है, लेकिन क्योंकि संसद में इनकी मेजोरिटी है तो हो सकता है कि जल्दी इस पर बदलाव आ जाए, जल्दी ही चीजें इस पर प्रभावित हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि इंप्लीकेशंस एंड कंसर्न्स क्या है। मान लो कि यह विधेयक पारित हो जाता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि यह विधेयक पारित हो जाता है और यह विधेयक पारित कर दिया जाता है इराकी संसद द्वारा, तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे और इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या होंगी, यही हमें देखना है कि इसके प्रभाव क्या होंगे और इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं बेटा, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो सबसे पहले इंपैक्ट ऑन चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाल विवाह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द बिल्स पोटेंशियल टू लीगलाइज मैरिज फॉर गर्ल्स एज यंग एज 9 ईयर्स ओल्ड रेजेस सीरियस कंसर्न्स अबाउट इंक्रीज चाइल्ड मैरिज। कह रहे हैं कि इस पूरे विधेयक को अगर हम गौर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इससे नकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि लड़कियों की शादी की उम्र हमने कम कर दी है, बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। इट इज आर्ग्यू दैट दिस कुड लीड टू अर्ली प्रेगनेंसी, इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट्स फ्रॉम स्कूल एंड हाई रिस्क फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। और अगर बाल विवाह होगा तो लड़कियां शिक्षा से पीछे चली जाएंगी, जल्दी गर्भवती हो जाएंगी, ठीक है, और उनको घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी। और जल्दी गर्भवती होने का मतलब यह है प्रेगनेंसी जल्दी आने से, अगर 9 साल की उम्र में आप शादी करते हैं तो 9 साल से लेकर 45 वर्ष तक एक लंबा समय मिलता है जहां बच्चे अधिक पैदा करने का समय मिलता है, जिसको प्रजनन क्षमता कहते हैं, फर्टिलिटी कैपेसिटी जिसको कहते हैं, अगर वो अधिक होगी तो जनसंख्या भी अधिक बढ़ती है। तो ये कंसर्न है, चैलेंजेज जो भरकर आ रहे हैं इस कानून के। लीगल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, द री इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीजियस रूल्स इनटू फैमिली लॉ कुड लीड टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन हाउ फैमिली मैटर्स आर हैंडल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कानून में यह भी कहा गया है कि परिवार का जो संचालन होगा या पारिवारिक मामलों का जो निपटारा होगा वो इस पर्सपेक्टिव में होगा कि रिलीजियस कानून क्या कहते हैं। अगर रिलीजन को हम फैमिली में इन्वॉल्व करते हैं
तो इसके भी नकारात्मक प्रभाव होंगे और सेक्युलरिज्म से बेटा हम क्या है, हम पीछे हटेंगे। सेक्युलरिज्म से हम क्या है, पीछे हटेंगे। किससे पीछे हटेंगे, सेक्युलरिज्म से पीछे। देखते हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक रिएक्शन क्या है। यूनिसेफ की रिपोर्ट क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 28% ऑफ गर्ल्स इन इराक आर ऑलरेडी मैरिज बिफोर एज ऑफ 18 ईयर। कह रहे हैं कि यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है हाल फिलहाल, उनका कहना है कि इराक में ऑलरेडी 28% लड़कियां जो है 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है, और अगर इस हमने विधेयक को लागू कर दिया, इसको एक्ट बना दिया, लॉ बना दिया, तो ये स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, आप सोचिए। बात समझ आई। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट कह रही है पहले से ही समस्या यहां बनी हुई है। ग्लोबल आउटरेज क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवोकेट्स हैव एक्सप्रेस्ड अलार्म ओवर द बिल। और जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले जो संगठन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन से, उन्होंने कहा है कि ये बिल बहुत अच्छा नहीं है, इस बिल पर रोक होनी चाहिए और इस बिल के बारे में हमें बातचीत करके इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, अब है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में यही हो सकता है कि अगर इराक इस प्रकार का बिल पारित करता है तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उनके बारे में सैंक्शंस लगा सकती हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप में उनके आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और हमें ये ऐसा करना चाहिए कि इस प्रकार के कार्यों को रोका जाना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो या फिर बेटा नॉन डेमोक्रेटिक देश हो, उसको रोका जाना चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए वैश्विक स्तर पर। अभी थोड़ी सी बात हम इंडिया की कर लेते हैं, लेकिन इंडिया पर आने से पहले पूरी कहानी को मैं एक बार फिर समझा देता हूं कि स्थिति यह है कि इराक की संसद में, इराक की पार्लियामेंट में एक नया बिल लाया गया है, एक नया विधेयक लाया गया है, और इस विधेयक में जो सबसे गंभीर मुद्दा है वो ये है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो पहले 18 साल थी उसको घटाकर 9 साल करने की बात की जा रही है। लड़कों की उम्र जो 18 साल थी घटाकर 15 साल करने की बात की जा रही है। रिलीजियस जो अथॉरिटीज है उनके माध्यम से परिवार के मामलों को सॉल्व करने की बात की जा रही है। परिवार का जो नियम है वो रिलीजियस लॉ से चलेगा, इस पर भी बात की जा रही है। और रिलीजन का जो इंटरफ्रेंस है, रिलीजन का जो हस्तक्षेप है परिवार में या अन्य मामलों में, वो बढ़ाने की बात हो रही है। और जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, जो सबसे ज्यादा विवाद बना हुआ है, वो बना हुआ है लड़कियों की शादी 18 और शादी की जो उम्र है वो 18 साल से घटाकर कितना कर देना, 9 साल। इससे बाल विवाह चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा मिलेगा और चाइल्ड मैरिज जो है उभर कर सामने आएगा। इसमें इराक के जो संगठन है उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है उन्होंने भी इसकी आलोचना की है, और आलोचना के साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि इसका क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो इराक में बाल विवाह यूनिसेफ के अकॉर्डिंग पहले से एक समस्या है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज वहां है, क्योंकि 28% लड़कियों की शादी जो है वो 18 साल से पहले कर दी जाती है, और पहले से एक समस्या है। और अगर हम इस एक्ट को स्वीकार कर लेंगे, इस बिल को स्वीकार कर लेंगे, तो ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। तो इराक में बाल विवाह के पर्सपेक्टिव में, चाइल्ड मैरिज के पर्सपेक्टिव में हम चीजों को देख रहे हैं। तो बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज बेटा केवल इराक की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये लगभग विकासशील देशों की एक समस्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी एक समस्या है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये विकासशील देशों के साथ साथ जो विश्व की सबसे मजबूत तरीके से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, वहां भी बाल विवाह एक गंभीर समस्या बना हुआ है। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी बाल विवाह देखा जाता है, भारत में भी बाल विवाह की स्थिति बनी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें कि पीपीपी मॉडल पर हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ग्लोबली हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम एक पावरफुल शक्ति के रूप में देखे जा रहे हैं। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने भी कहा है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को बेटा क्या करता है, प्रभावित करता है। लेकिन अगर इराक में हम बाल विवाह की बात कर रहे हैं, इराक में हम ये कह रहे हैं कि वहां पर चाइल्ड मैरिज है और अन्य विकासशील देशों में भी चाइल्ड मैरिज है, तो आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत में भी बाल विवाह की स्थिति गंभीर बनी हुई है। भारत में भी बाल विवाह की स्थिति काफी सीरियस है और उसके कारण लड़कियां बहुत पीछे रह जा रही हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इराक की कहानी तो मैंने समझा दी आपको, अब इराक के साथ साथ मैं आपको बेटा भारत की कहानी भी समझाने वाला हूं कि भारत में स्थिति क्या बनी हुई है। तो देखो, भारत इसलिए भी करंट अफेयर्स में बेटा उभर कर सामने आ रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कंसिडर्ड रेजिंग द मैरिज एज फॉर वुमेन इन इंडिया फ्रॉम 80 to 21। अच्छा, भारत में क्या स्थिति है, मैरिज की क्या स्थिति है, भारत में शादी की उम्र क्या है। बेटा भारत में शादी की उम्र लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग है। लड़कियों के लिए कितनी है बेटा, 18 साल है, और लड़कों के लिए 21 साल है। मतलब
लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं की जा सकती, लड़कों की शादी जो है 21 साल से पहले नहीं की जा सकती है। लेकिन भारत सरकार ने हाल फिलहाल यही बात कही थी कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है 18 साल, अब इसको बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए, 21 साल कर देना चाहिए, और लड़कों की शादी की उम्र भी 21 साल रहने देनी चाहिए, क्योंकि जल्दी शादी करने से बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव लड़कियों के स्वास्थ्य पर पड़ते हैं और पूरे समाज पर पड़ते हैं। लेकिन ये केवल एक प्रपोजल है, एक प्रपोजल है, इस पर अभी बात गंभीर रूप से हो रही है, ये अभी कानून नहीं बना है। दे डू दिस बिकॉज डेलिंग मैरिज कुड हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट। सरकार ने ऐसी बात इसलिए की है क्योंकि अगर हम बाल विवाह को कम करते हैं और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाते हैं तो इससे लड़कियों के पूरे स्वास्थ्य पर बेटा सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, अच्छे तरीके से उनका जीवन स्तर बढ़ता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में लड़कियों की स्थिति क्या है, इंडिया चाइल्ड मैरिज स्टैटिस्टिक्स। अब वो क्या आंकड़े हैं जो भारत में हमें लड़कियों के बाल विवाह या महिलाओं के बाल विवाह के बारे में बता रहे हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अराउंड 24 मिलियन चाइल्ड ब्राइड्स इन इंडिया। कह रहे हैं कि भारत में लगभग 24 मिलियन, कितना, भारत में लगभग 24 मिलियन बाल वधू पाई जाती है। बाल वधू एक कार्यक्रम भी आता है टीवी पर, एक प्रोग्राम आता है, सीरियल आता है, ठीक है, उसमें बाल वधु के बारे में बताया गया है। तो भारत में वर्तमान समय में लगभग 24 मिलियन जो है लड़कियां जो है बाल वधु के रूप में है, अर्थात गिनती के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में जितनी भी लड़कियों की औरतों की शादी हुई है उनमें से 24 मिलियन लड़कियां 18 साल से कम उम्र में शादी उनकी कर दी गई है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एस्टिमेटेड दैट 40% ऑफ द 60 मिलियन चाइल्ड मैरिज वर्ल्ड वाइड ऑकर इन इंडिया। कह रहे हैं कि अगर विश्व में 60 मिलियन बाल विवाह होते हैं तो उनका 40% कहां हो रहा है, भारत में हो रहा है। अपने आप में बड़ी बात है कि अगर हम कहें कि विश्व में लड़कियों का 100% बाल विवाह है तो उसमें से बेटा 40% बाल विवाह जो है चाइल्ड मैरिज कहां हो रहा है, भारत में हो रहा है। डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ये आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आप वन लेवल सेक्शन संवेदनशील वर्ग वाला है वहां इसको लिख सकते हैं, बाल विवाह के संदर्भ में इसको लिख सकते हैं। तो 40% पूरी दुनिया के बाल विवाह का 40% भारत में है। सोचो कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है जबकि हम एक अच्छी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। इंडिया हैज 14 हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि अगर चाइल्ड मैरिज की बात करें बाल विवाह की तो 14वें नंबर की रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन। डिफरेंट मैरिज ट्रेडिशन एंड कस्टम एग्जिस्ट थ्रू आउट रीजन कास्ट एंड ट्राइब्स। कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो भारत के क्षेत्र चूंकि विविधता बहुत अधिक है, डायवर्सिटी बहुत अधिक है, तो क्षेत्रों की बात करें, जाति की बात करें, तो उस हिसाब से जो है विविधता बाल विवाह के रूप में पाई जा रही है। आंकड़े क्या कहते हैं, अगर स्टेट वाइज पैटर्न देखें हम भारत में बाल विवाह का, स्टेट वाइज पैटर्न ऑफ चाइल्ड मैरिज, भारत में बाल विवाह का अगर हम राज्यवार आंकड़ा देखें, राज्यवार विश्लेषण करें, तो क्या स्थिति उभर कर आती है। वेस्ट बंगाल हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिज अमंग द स्टेट्स। कह रहे हैं कि अगर भारत के सभी राज्यों की 28 राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बाल विवाह कहां देखने को मिल रहा है, वेस्ट बंगाल मिल रहा है 42%, उसके बाद बिहार और त्रिपुरा में ये 40% की स्थिति बनी हुई है। ये आंकड़ा भी याद करने वाला है, ये आंकड़ा भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा आपके लिए है। और द डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज हैज बीन मिनिमल एट वेस्ट इन द 3 स्टेट विद हाई फ्रीक्वेंसी। कह रहे हैं कि अगर हम बात ये करें कि देखें कि सिंस द इंडिपेंडेंस क्या इन राज्यों में बाल विवाह की जो दर है, जो स्पीड है, उसमें कमी आई है, तो हम देखेंगे कि उसमें कमी नहीं आई है। बाल विवाह जिस गति से बढ़ रहा था उसी गति से ये बढ़ता हुआ आगे चल रहा है। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आर गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, जो है सबसे कम बाल विवाह यहां पर पाए जाते हैं। कहां पर बेटा, गोवा पर, हिमाचल प्रदेश में और केरला में जो है बाल विवाह चाइल्ड मैरिज सबसे कम हो रहा है। चाइल्ड मैरिज की स्थिति सबसे अच्छी बनी हुई है, मतलब कि बाल विवाह यहां पर कम हो रहा है। तो सर्वाधिक बाल विवाह वाला राज्य कौन है बेटा, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, त्रिपुरा है। सबसे कम बाल विवाह वाली स्थिति कौन है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है और केरला है। ये आंकड़े आपको थोड़े से देखने, ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि भारत में अगर बाल विवाह बना हुआ है और पूरे विश्व के बाल विवाह जो हो रहे हैं उनका 40% भारत में हो रहा है, अगर 600 मिलियन बाल विवाह हो रहे हैं उसका 40% इंडिया में हो रहा है, तो वो क्या कारण है जिससे कि भारत में बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाता है या भारत में बाल विवाह होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पैट्रियार्कल आइडियाज, बिल्कुल पितृसत्तात्मक सोच। क्या है पितृसत्तात्मक सोच, पितृसत्तात्मकता का क्या मतलब होता है कि जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष को प्रधानता दी जाती है, पुरुष का डोमिनेंस होता है, उसी को
पैट्रियार्कल मेंटेलिटी कहा जाता है। तो एक ये सोच बनी हुई रेग्रेसिव कस्टम एंड रिलीजियस नॉर्म्स कि हमारे यहाँ जो धर्म की प्रधानता है या फिर हमारी जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो भी बाल विवाह को समर्थन करती है। विभिन्न प्रकार के धर्मों में अलग अलग तरीके से बाल विवाह का समर्थन किया जा रहा है, तो लोग अभी भी धर्म को मानते हैं और इसलिए वो बाल विवाह को बढ़ावा दे देते हैं। तो पितृसत्तात्मक सोच है, परंपरागत मूल्य है, धार्मिक मूल्य है, इन सबसे भारत में बाल विवाह की स्थिति बनी हुई है। मैरिज रेजिंग कॉस्ट, ठीक है, शादी जो है एक महंगा सामान होता है हमारे, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, दहेज प्रथा की वजह से जितने जल्दी हो लड़की की शादी कर दो क्योंकि समय बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी और हमें अधिक दहेज देना पड़ेगा, तो इस वजह से भी लोग क्या कर देते हैं, शादी जल्दी से कर देते हैं। गरीबी भी बना हुआ है कि लड़कियां ज्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जो भी है जितने जल्दी हो लड़की की शादी कर दो। इसके अलावा कास्ट डिस्पैरिटीज भी बनी हुई है। अगर बाल विवाह की बात करेंगे आप तो जो लैंडेड कास्ट से डाउन स्ट्रीम क्लासेस हैं और वो जल्दी कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में जब आप देखेंगे तो बाल विवाह जो है वो दलित वर्ग में देखने को नहीं मिलता है बल्कि उच्च वर्ग में देखने को मिलता है, क्योंकि लड़कियों से वो अपनी प्रतिष्ठा के मामले को जोड़कर देखते हैं, इसलिए ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वहां भी लड़कियों को एक बोझ माना जाता है और बाल विवाह कर दिया जाता है। तो ये सभी कारण हैं जो कि बाल विवाह के लिए बेटा उत्तरदायी है। अब सवाल यह है कि भारत में बाल विवाह बहुत गंभीर रूप से पाया जाता है और भारत में बाल विवाह के लिए उत्तरदायी कारक भी है, तो क्या स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है, क्या स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि भारत में बाल विवाह को रोकने की बात की गई हो, बाल विवाह को कम करने की बात की गई हो? तो भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से अनेक प्रयास किए हैं और स्वतंत्रता के पहले भी भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। तो वो कौन कौन से प्रयास हैं जो स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद किए गए हैं भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए, उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। वेरियस मेजर्स वर टेकन ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम पीरियड्स, करेंगे विभिन्न समय में हमने विभिन्न प्रकार के काम किए हैं। जैसे अगर हम कॉलोनियल एरा की बात करें, अंग्रेजों के समय की बात करें, तो अंग्रेजों ने भी भारत में बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था। जैसे द इंडियन पिनल कोड विच वॉज पास 1860 मेड अ हैविंग सेक्स विद अ गर्ल हु इज यंगर देन 10 इलीगल। कह रहे हैं कि जो इंडियन पिनल कोड था आईपीसी 1860 का, उसमें यह कहा गया था 1860 में सबसे पहले कि अगर 10 साल से कम उम्र की लड़की के साथ आप शादी करते हैं तो इसको अवैध माना जाएगा। तो मतलब कि शादी की उम्र जो है बेटा कितने बना दी गई थी, 10 साल की बात की गई थी 1860 में आईपीसी के माध्यम से। तो यहां भी बाल विवाह को रोकने की बात की गई थी। द एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, सहमति अधिनियम 1927 में आया था, विच स्टेटेड दैट मैरिज बिल विद अ गर्ल अंडर द एज ऑफ 12 वुड बी इनवैलिड। और फिर 1927 में जो है शादी की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 12 कर दी गई थी। और इस एक्ट के माध्यम से कहा गया था, एज ऑफ कंसेंट बिल के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया था कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शादी करना अपराध होगा, उसको अवैध माना जाएगा, ठीक है। और इसको बाद में थोड़ा सा चेंज भी किया गया था। अब एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट्स एक्ट आया था 1929 में, उसमें जो है एज जो है बेटा वो कितने करने की बात की गई थी, 16 साल करने की बात की गई थी। तो पहले 10 साल हुई, फिर 12 साल हुई, फिर 16 साल हुई। पर 1978 में चाइल्ड मैरिज फिर से एक्ट आया और जिसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है 1978 में, इसमें जो है 18 साल जो है लाकर कर दी गई थी लड़कियों की, और 21 साल किसकी कर दी गई थी, लड़कियों की कर दी गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग शारदा एक्ट के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण कदम था ये भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकली। और शारदा एक्ट के माध्यम से जो है शादी की उम्र जो है बेटा 21 साल लड़कों के लिए और 18 साल लड़कियों के लिए कर दी गई थी। सोचो आप 1978 में, ये बड़ी बात थी, ठीक है। चलो अब है कि एक महत्वपूर्ण एक्ट है भारत में, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है 2006 का, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है बेटा। क्या मिलती है कि अ पर्सन हु इफ अ मेल हैज नॉट रीच द एज ऑफ 21 और इफ अ फीमेल हैज नॉट रीच द एज ऑफ 18 इज रेफर टू द चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये जो एक्ट है 2006 का, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, उसमें ये कहा गया है कि 18 साल जो है उम्र लड़कियों की है शादी की और 21 साल लड़कों की है। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का लड़की नहीं हुई है और कोई व्यक्ति 21 साल का नहीं हुआ है तो उसको हम बालक मानेंगे, उसकी शादी नहीं की जा सकती है, ठीक है। इट इज पॉसिबल फॉर बॉय एंड गर्ल्स हु वर क्वेस्ट इन टू चाइल्ड मैरिज टू एनुअल देयर यूनियंस अप टू 2 years आफ्टर बिकमिंग एडल्ट्स एंड इन सेम सम केसेस मैरिज बिटवीन माइनर्स कैन बी डिसॉल्व बिफोर दे अटेन। अगर कह रहे हैं कि पहले शादी कर दी गई है तो 18 साल के बाद ही उनके बीच जो है पारिवारिक जो है संबंध शुरू हो सकते हैं। चाइल्ड मैरिज ऑफ स्प्रिंग आर रिगार्डेड एज लेजिटिमेट चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि बाल विवाह
को हम आपराधिक तौर पर देखते हैं और कानूनी तौर पर उसको मना कर रहे हैं। क्लियर है भारत में? चलो, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2006 क्या कह रहा है ये? अकॉर्डिंग टू द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वेडिंग एक्ट 2006 ऑल मैरिज इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ऑफ द ईयर 2006। कह रहे हैं कि 2006 का जो एक्ट है, चाइल्ड कंपल्सरी मैरिज एक्ट जो है, ये एक्ट क्या कह रहा है? ये एक्ट कह रहा है कि भारत में जितने भी विवाह होते हैं, बाल विवाह होते हैं, उन सभी बाल विवाहों का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पास होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको हम नहीं मानेंगे भारत में। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको दो तीन चीजें यहां समझाने का प्रयास किया है। वो दो तीन चीजें ऐसी हैं कि सबसे पहले इराक में क्या घटित हो रहा है उसकी बात करी, इराक का जो विधेयक है उसके पर्सपेक्टिव में बात मैंने करी। इसके अलावा मैंने कहा कि उस विधेयक के, उस बिल की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में मैंने चीजों को आपको बताया। इसके अलावा मैंने बताया कि उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और कैसे उसकी आलोचना की जा रही है, उसको मैंने समझाया आपको। फिर हमने भारत में भी बाल विवाह की स्थिति को देखने का प्रयास किया और देखा कि भारत में जो स्टैटिक्स है, आंकड़े हैं, वो बाल विवाह के बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, वो स्वतंत्रता के पहले भी किए गए थे, स्वतंत्रता के बाद भी किए गए हैं। बाल विवाह उन्मूलन अधिनियम है, या फिर जो एक एक्ट है 2006 का हमारा, उसको हमने देखने का प्रयास किया। इस समय बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भारत में इन सब प्रयासों के होने के बाद भी बाल विवाह की स्थिति गंभीर रूप से बनी हुई है। बाल विवाह अभी भी देखने को मिलता है और हमारे आसपास भी कभी कभी आप जब देखेंगे तो बाल विवाह की घटनाएं यदा कदा हमें देखने को मिल जाती हैं। तो बाल विवाह को रोकने के लिए केवल कानूनी स्तर पर ही प्रयास पर्याप्त नहीं है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि कठोर कानून बना दिए जाएंगे, कानून में कठोर सजाएं दे दी जाएंगी तो उससे बाल विवाह रुक जाएगा। बाल विवाह रोकने के लिए जो सभी शेयर होल्डर्स हैं, जो सभी हितधारक हैं, उन्हें शामिल होना होगा। सरकार अपने स्तर पर कानून बना रही है, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, पुलिस अपने स्तर पर सजग है, लेकिन उसके अलावा जो गैर सरकारी संगठन है, जो महिला संगठन है, जो मानवाधिकार के संगठन है, और उससे महत्वपूर्ण है कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, उन्हें इस संदर्भ में सजग होना पड़ेगा, उन्हें इस संदर्भ में जागरूक होना पड़ेगा। और अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि उसके आसपास इस प्रकार की घटना दिख रही है, उसमें एक्शन ले रहा है, और अगर हम लोगों को शिक्षा के माध्यम से सिखा दें कि बाल विवाह एक बुरी चीज है और बाल विवाह का परिणाम जो है महिला पर बहुत गंभीर रूप से नकारात्मक पड़ता है और आने वाली पीढ़ियों पर नकारात्मक रूप से पड़ता है, तो जो है बाल विवाह को रोका जा सकता है। तो बाल विवाह को रोकने के लिए केवल कानूनी प्रयास करना या केवल लॉ बना देना ही पर्याप्त नहीं है। कह रहे हैं कि लॉ मेकिंग इज नॉट सफिशियंट टू प्रोहिबिट द लॉ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, लेकिन जो अदर शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर हम शामिल करते हैं तो उससे बाल विवाह की स्थिति को रोका जा सकता है। यही बात आपके निष्कर्ष में लिखी गई है कि बाल विवाह के परिणाम व्यापक रूप से नकारात्मक हो सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने बात करी बाल विवाह के बारे में और स्पेशली ईरान के बारे में चीजों को मैंने समझाया आपको, ईरान के बारे में मैंने चीजों को बताया आपको, ये भी बताया कि भारत में बाल विवाह की स्थिति क्या बनी हुई है। तो ईरान की जो स्थिति है, ईरान का जो बिल है, वो व्यापक रूप से उभर कर सामने आ रहा है, वैश्विक स्तर पर उसकी आलोचना की जा रही है। इसलिए जब वैश्विक स्तर पर किसी चीज की आलोचना की जाती है तो उसका महत्व जो है भारत में भी बढ़ जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि करंट इनसाइट जो है आपके लिए एक सेशन चल रहा है जिसमें कि हम करंट अफेयर्स के टॉपिक की बात करते हैं, और आज हमने बात करी है इराक में बाल विवाह के बारे में और भारत में बाल विवाह के बारे में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अपने जनरस का निर्माण करिए। मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ डॉक्टर फैयाज हुसैन, मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 PM आपके साथ रहता हूं, चीजों को समझाता हूं, देखता हूं, समझता हूं, हम बातचीत करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, उज्ज्वलस का निर्माण कीजिए। और अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और सेशन को शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। दीक्षांत आईएएस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।